हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग संस्कृत ने बेटा चैप्टर 3 तक तो कंप्लीट कर लिया है, बट बेटा हम लोग ने रिवीजन नहीं किया था अभी तक। ओके, तो हम लोग रिवीजन भी देख लेते हैं संस्कृत में क्या क्या आएगा बेटा। चलिए देखते हैं रिवीजन 1। रिवीजन 1 में बेटा आपका पहले तो संस्कृत में वंदना आएगी। रिवीजन 1 में आप सभी कॉपी पे संस्कृत की डेट मेंशन करके बेटा संस्कृत में वंदना लिखकर याद करेंगे। ओके, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। ओके, फर्स्ट रिवीजन आपका क्या होगा बेटा, संस्कृत में वंदना होगी। एंड सेकंड आपका क्या होगा बेटा, सेकंड आपका नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको मैंने पहले से भी करवाया है सभी बच्चों को, और जो जो क्वेश्चन आएंगे आपके यूनिट टेस्ट में वो मैंने फिर से दिया है। ओके, स्वर किसे कहते हैं, ऐसी वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। सेकंड आपका क्या है बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों या अक्षरों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। सॉरी, यहाँ पे वर्ण होगा बेटा। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्ण ऐसे ही होगा, आप कॉपी से देख कर लिखेंगे, पहले से भी लिखवाया गया है बेटा। फिर थर्ड क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसी वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा, आपको ये रिवीजन 2 में करना है। डेट पहले डालनी होगी, फिर रिवीजन 2 डाल करके करना है। ओके, रिवीजन 3 देख लेते हैं बेटा। रिवीजन 3 में क्या है, रिवीजन 3 में बेटा है अक्षर पहचान कर संस्कृत में लिखे नाम से सुमेल कीजिए। ओके, अक्षर को पहचानना है, फिर आपको उससे मिलान करना है। जैसे बड़ा ऊ से क्या होता है बेटा, ऊम, आपको पता होगा ऊन होता है। ए से, ऐ से क्या होता है, रावत मीन्स क्या होता है बेटा, हाथी होता है। ओ से ओदनम मीन्स क्या होता है बेटा, बात होता है, आप संस्कृत के बुक में पहले से पढ़ चुके। आ छोटा आ से क्या होगा, अश्वा, और बड़ी से क्या होगी, ईशा मीन्स ईश्वर होता है। ऐसे ही आपको रिवीजन 3 में करके मिलान करना है। ओके, प्रैक्टिस भी करना है आप सभी बच्चों को। रिवीजन 3 हो गया बेटा, ये आपका रिवीजन 4 है। रिवीजन 4 में बेटा संस्कृत में लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। ईशा की मीनिंग क्या होगी बेटा, ईश्वर होता है। आम्रम मीन्स क्या होता है, आम। ऐणा मीन्स हिरण। ओदनम मीन्स क्या होता है बेटा, भात होता है। अम्बुजम मीन्स क्या होता है, कमल। इच्छु मीन्स क्या होता है, गन्या। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया रिवीजन 4। रिवीजन 4 में आपको संस्कृत में लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए, ये आपको करना है। फिर से देख लीजिए, ईशा मीन्स ईश्वर, आम्रम मीन्स आम, एणा मीन्स हिरण, ओदना मीन्स क्या होता है बेटा, भात, अम्बुजम मीन्स कमल, इच्छ मीन्स गन्ना। ओके, सभी रिवीजन 4 में बेटा करेंगे। समझ में आया बच्चों, रिवीजन 4 में आपको रिवीजन 3 के बाद रिवीजन 4 करना है। सभी बच्चे कॉपी में सारे रिवीजन वर्क कंप्लीट करेंगे। रिवीजन 5 लास्ट देखिए बेटा, रिवीजन 5 में आपका संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती लिखो। ओके, रिवीजन 5 में आप लास्ट यही करेंगे बच्चे, सारे बच्चे संस्कृत वाले ही बच्चे करेंगे। उर्दू वाले बच्चे उर्दू करेंगे, संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत करेंगे। ओके, रिवीजन 5 आपका संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती लिखना है। जैसे फर्स्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा, एका। दो को क्या कहेंगे, द्वय। तीन को त्रया। चार को चत्वारा। पाँच को पंच। छः को षष्ठ। सात को सप्त। ओके, आठ को क्या बोलेंगे, अष्ट। नौ को क्या बोलेंगे, नौ। दस को दस। ओके, फिर से देख लो, एका, द्वय, त्रया, चत्वारा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, दस। संस्कृत में ये आपकी गिनती होगी बेटा। ओके, रिवीजन 5 तक सभी बच्चों को रिवीजन 1, 2, 3, 4, 5 इतना आपको रिवीजन मिला है बेटा संस्कृत में। सभी बच्चे कॉपी पे जरूर राइट करेंगे और लर्न करते रहेंगे, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट इसी रिवीजन से आएगा बच्चों। ओके, थैंक यू क्लास, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे क्लास।